बेईमानी भ्रष्टाचार को छुपा रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। 1000 करोड़ एक हवाई जहाज पर ज्यादा पेमेंट किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। राफेल डील में प्राइस क्यों नहीं बता रहे जा रहे, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे प्राइस बताइए, इसमें क्या सीक्रेट क्या है? प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी देश की पार्लियामेंट के प्रति जवाबदार जिम्मेदार है जी, उन्हें बताना पड़ेगा। हम उनसे कीमत पता लगाने के लिए उनको मजबूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बवाल मचा देती, देशद्रोही करार देती। मुझे तो हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने कह दिया कि मैं देशद्रोही हूं। नरेंद्र मोदी हर चीज के लिए वो कांग्रेस को दोषी मानते हैं, लेकिन स्वयं क्या है उसके बारे में अपने बचाने में लगे रहते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य इस देश का जो नरेंद्र मोदी का, कोई वादा ये लोग पूरा नहीं कर पाए। केवल जनता को धर्म के आधार पर बांट कर अपना चुनाव जीतते रहे, ये मशीन का मुझे तो उस पर विश्वास नहीं, क्योंकि जितने भी विकसित देश है सबने ईवी मशीन पे वोटिंग कराना छोड़ दिया, केवल भारत करा रहा और कुछ दूसरे राष्ट्र। विचारधारा के पीछे चुनाव होगा, भारत की जनता को चुनना है उसको रास्ता कौन सा अपनाना है, नफरत और हिंसा का या प्रेम सद्भाव सत्य और अहिंसा का। नमस्कार, बोलते हिंदुस्तान में आपका स्वागत है, मैं हूँ आदिल वसीम। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 22 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा और 1977 में पहली बार विधायक चुने गए, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद दिल्ली का रुख किया, बीजेपी और आरएसएस पर लगातार हमलेवर रहे। सर, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पिछले 4 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया है, इस देश ने क्या खोया है और क्या पाया है? एक लंबे राजनीतिक करियर है आप, किस तरीके से देखते हैं उनके इन 4 सालों? इसके 2-3 पहलू हैं। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक जी, और कुछ सुरक्षा के मसले हैं। सामाजिक पहलू में जिस प्रकार से इस सरकार ने मुसलमानों को टारगेट किया है, मुसलमान समुदाय में एक संकट का काल है और वे इससे चिंतित हैं। 14 के पहले एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान में शामिल नहीं हुआ, 14 के बाद देश के कुछ मुसलमान युवक आईएसआईएस में शामिल हुए हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए ये देश तो विविधता में एकता का देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, मिले जुले हैं, ये हिंदुत्व विचारधारा के लोग, हिंदुत्व का कोई धर्म से लेना देना नहीं, मैं अच्छा खासा हिंदू हूँ, मुझे हिंदुत्व पे विश्वास ही नहीं क्योंकि हमारे धर्म में हिंदुत्व कोई शब्द ही नहीं है। हमेशा देश में सियासी लड़ाइयां हुई हैं, धार्मिक युद्ध कभी नहीं हुआ जी। सत्ता के लिए लड़ाई हुई है, धर्म के ऊपर लड़ाई नहीं हुई। ईसाई धर्म भी आया, ज़ोरास्ट्रियन धर्म भी आया, इस्लाम भी आया, तो ये सब इस देश में धर्म के आधार पर समरसता बनी रही, प्रेम सद्भाव बना रहा और निरंतर 1000 वर्ष से ज्यादा इस देश में हम लोग देख रहे हैं। कई सदियों तक तो मुसलमानों का राज रहा जी, लेकिन फिर भी आज देश में कोई हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं हुई है। तो ये हिंदू धर्म खतरे में है, जो एक ये हिंदुत्व विचारधारा के लोग जो नारा देते हैं वो केवल लोगों को भड़काने का है।
जिस तरह से कई मुसलमान इस्लाम खतरे में है का नारा दे देते हैं, ये दोनों मिलकर इस देश को में अशांति फैलाते हैं। तो सामाजिक स्तर पर मुसलमानों में सरकार के प्रति जो अविश्वास पैदा हुआ है, जो एक एक सत्ता सब व्यवस्था के खिलाफ एक अविश्वास पैदा हुआ है, ये चिंता का विषय है। आर्थिक व्यवस्था में नोटबंदी से इस देश की अर्थव्यवस्था 3 साल बिगड़ गई, लोग बाग बेरोजगार हो गए, व्यवसाय कम हो गया। जिस वजह से नोटबंदी की थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना काला धन खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ और ना नकली नोट खत्म हुए। जितनी करेंसी थी वो वापस आ गई और इस सरकार ने बिना तैयारी के नोटबंदी कर ली। 15 लाख करेंसी निकाल ली और नए नोट छापे ने, उसकी वजह से तबाही मच गई। 2 महीने तक लोग परेशान रहे, बैंकों की लाइनों में धक्का खाते रहे, गरीब परेशान हुआ, अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। दलालों ने, सत्ता के दलालों ने 1000 का नोट ले लिया और 650 में 700 में नए नोट दे दिए, 500 के 300-400 में नए नोट दे दिए। और करने वाले कौन थे? बैंक के अधिकारी, कर्मचारी और सत्ता के दलाल। सर, एक और जो इसी से जुड़ा ही सवाल था मेरा कि क्या अच्छे दिन मोदी सरकार दे पाई है जिसका वादा किया गया था? मैं और किसी की बात नहीं करता, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लिखा, भारतीय जनसंघ के जमाने से जो यहाँ सीनियर लीडर रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं। 4 साल बाद उनसे, मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उनसे कहा गया कि साहब आप मोदी जी को 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई उत्तर पुस्तिका पूरी ब्लैंक है, मैं उन्हें कितना नंबर दे दूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुरली मनोहर जोशी जी कह रहे हैं, जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी के 2014 में घोषणा पत्र लिखने की कमेटी के वो चेयरमैन थे। अरुण शौरी जी, जिन्होंने पूरा समर्थन दिया, आज देख लीजिए राफेल एयरक्राफ्ट में भारी भ्रष्टाचार। अगला सवाल मेरा उसी से था, क्या राफेल जो घोटाला हुआ या डील हुई उसमें कुछ काला है? निश्चित तौर पे है। जो हवाई जहाज सरकार छुपा क्या रही है? बेईमानी, भ्रष्टाचार को छुपा रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। 1000 करोड़ एक हवाई जहाज पर ज्यादा पेमेंट किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नियम और कानून का पालन नहीं किया है, कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी का निर्णय नहीं हुआ और समझौता कराए। वो तो कह रहे हैं कि यूपीए के टाइम पे सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद हमने डील की, फिर उसके बाद यूपीए के समय में यह तय हुआ था कि 550 करोड़ में हवाई जहाज मैं वेपन के, मैं इंस्ट्रूमेंट्स के खरीदे जाएंगे और 18 जहाज पहले आ जाएंगे और बाकी 126 में से 18 घटा के जितने बचेंगे वो HAL में आके उनका निर्माण होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। वो अब नहीं हो रहा है, उन्होंने प्राइवेट एजेंसी को अब दे दिया काम, तो उसमें दोनों तरफ घपला है, कीमत में घपला और प्राइवेट एजेंसी के साथ घपला। तो ये घोटाला, सीधे सीधे तौर पे ये घोटाला माना जाए, बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला। अगर ये घोटाला माना जा रहा है तो सरकार बार बार ये सफाई क्यों दे रही है कि उसने कुछ नहीं किया है? रक्षा मंत्री कल अमित शाह जब एक टीवी प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने बोला कि रक्षा मंत्री ने सारी चीजें बोल दी, क्योंकि आप विपक्ष में रहे हैं। एक सवाल इसी से ही जुड़ा है जो वो कह रहे हैं, जिसका सिक्योरिटी रीजन दे रहे हैं कि हम डील के प्राइस नहीं बता सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है। इसमें क्या सिक्योरिटी रीजन? आज तक डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस ने
हवाई जहाज खरीदे, टैंक खरीदे, वेपन्स खरीदे, सबकी प्राइस बताई गई। मिराज खरीद गए, प्राइस बताई गई। सुकोई खरीदे गए, प्राइस बताई गई। राफेल डील में प्राइस क्यों नहीं बता रहे जा रहे? वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे, प्राइस बताई गई। इसमें क्या सीक्रेट क्या है? बोफोर्स तक के प्राइस बताई गई थी ये भी कहा गया, मगर इसमें सिक्योरिटी रीजन नहीं, बल्कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो ये कहते हैं कि अगर विपक्ष को अगर वो संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो प्राइस बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत किस बात की आ रही है? इस देश के प्रजातंत्री व्यवस्था में सबसे बड़ा एक बड़ी संस्था है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से कोई बड़ी संस्था इस देश में नहीं है। और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी देश की पार्लियामेंट के प्रति जवाबदार जिम्मेदार हैं जी। उन्हें बताना पड़ेगा, हम उनसे कीमत पता लगाने के लिए उनको मजबूर करेंगे, करके रहेंगे। आपको लगता है कि वो दाम बताएंगे जिस तरीके उनको से? उनको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको जी। अभी इससे पहले जो आपने जिक्र किया कि एक धर्म विशेष के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है, सर इसका निवारण क्या है? कब तक मुआवजे देते रहेंगे, कब तक अपने तरफ से सारी की बात नहीं है। अभी पहलू खान के विषय में और अनेक उसमें एनडीटीवी ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जहां छाती पीट के लोग कह रहे हैं हमने किया है, अभी तक उनको सजा नहीं मिली, केस अभी तक ढीला चाला चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई है। ये सरकार तो बचाने में लगी है, यही तो हमारी नाराजगी है सरकार से। आप एक रेप होता है कठुआ कश्मीर में, वहां रेप करने वालों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। ऐसा पहली बार देखा गया कि एक रेपिस्ट के समर्थन में रैली निकाली गई, वो भी तिरंगा यात्रा जिसको नाम दिया। ये यानी कि तिरंगा का उन्होंने अपमान किया है। एक और अखलाक को मारा गया था दादरी में जी, ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और मारने वाला जो किसी कारण से उसकी उसकी मृत्यु हो गई जेल में, उसे तिरंगे में लपेटा गया जैसे बहुत बड़ा शहीद हो, जो एक हत्या का आरोपी है उसको और उसके महेश शर्मा जी माननीय मंत्री जी मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर यही काम यही चीज दिग्विजय सिंह ने की होती तो क्या होता? तो भारतीय जनता पार्टी बवाल मचा देती, देशद्रोही करार देती। मुझे तो हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने कह दिया कि मैं देशद्रोही हूं, तो मैं उनके थाने में गया, पुलिस से कहा कि देशद्रोही मुझे पकड़ो। मुझे थानेदार ने लिख के दे दिया, ना तो हमारे पास कोई प्रकरण है ना प्रमाण है, इसका मतलब ये कि प्रधान मुख्यमंत्री झूठा है। तो ये किसी को भी देशद्रोही, किसी को भी राष्ट्रवादी सर्टिफिकेट दे देना, यही नहीं है ये मतलब किस चीज का? यही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी आईएसआई के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया, बजरंग दल का प्रमुख सतना का जासूसी करते हुए आईएसआई के लिए पकड़ा गया। किसने पकड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुलिस अधिकारियों ने। आज तक उनको कुछ नहीं हुआ, जमानत छूट गई। तो ये सर ये सारी चीजें मीडिया में क्यों नहीं आती है? मेरा जो अगला सवाल जो यही तो मेरी शिकायत है, यही चीजें हैं कि जो एक मीडिया है क्या क्या दबाव में काम कर रहा है, क्या वो अवघोषित आपातकाल है जो बता नहीं पा रहे हैं? आप पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का किस्सा ले लीजिए, उनका कसूर इतना था, मन की बात में छत्तीसगढ़ की एक महिला ने कहा कि हमारी आमदनी डबल हो गई। जब उनकी टीम वहां गई उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, मेरी कोई डबल नहीं हुई है, मेरी खेती भी ऐसी कुछ खास नहीं है। दिल्ली से अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा तुम्हें कहना है, ट्रेनिंग दी है। इसी तरह से राजस्थान में भी ऐसा हुआ। हाँ, तो ये पूरी तरीके वो से प्रसून वाजपेयी ने, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने ये बात उजागर कर दी, उनको सजा मिली है,
कि नौकरी से अलग कर दिया। हालांकि अब कांग्रेस का जिक्र किया कई बार पीएम मोदी ने, कहा कि किशोर कुमार को बैन कर दिया गया था, सारी चीजें हुई, तो अभी ये जो चीजें हो रही हैं इस पे विपक्ष क्यों हमलेवर नहीं? नरेंद्र मोदी जी हर चीज के लिए वो कांग्रेस को दोषी मानते हैं, लेकिन स्वयं क्या है उसके बारे में अपने बचाने में लगे रहते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य इस देश का जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये दुर्भाग्य, आप दुर्भाग्य मान रहे हैं इस चीज को। अगर पीएम मोदी जो सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं, और उनके कई लोग, अगर आप खुद सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं और आपको कई बार ट्रोल भी किया जाता है, कई बार नहीं, रोज किया जाता है कि आप जो है आप उनको एक दुर्भाग्य मान रहे हैं कि वो दुर्भाग्य हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने। इस तरीके की चीजें दिग्विजय सिंह कब तक बोलते रहेंगे, जब तक वो सत्ता से हट नहीं जाते? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को मैं तब से जानता हूँ जब ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज महामंत्री थे 96 से। जी ठीक है, जब वो मुख्यमंत्री थे 2000, काफी स्नेह भी है आपका उनके उनके प्रति। और ऐसा है, मैं उनसे कभी भी 1-to-1 मेरी मुलाकात नहीं हुई है, केवल एक बार हुई जब मैं अपने पुत्र के निमंत्रण देने के लिए उनको गया था। जी, वो शिरकत भी की थी उन्होंने, वो आए थे, बड़ी मेहरबानी है उनकी, लेकिन कोई मेरी राजनीतिक चर्चा उनसे और या पर्सनल चर्चा भी मेरी कभी उनसे नहीं हुई। लेकिन मैं जानता हूँ उनके बारे में सब कुछ, और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उसको भी मैं जानता हूँ, तो इसलिए कोई बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि देश का दुर्भाग्य है जो नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री उनको मिला, देश का दुर्भाग्य है कि उनके जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। अगला सवाल, जो आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, जिसको एक तरीके से लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाए, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि आप 6 महीने आपने यात्राएं की, पैदल पैदल पूरे गली गली हर जगह आप टहले, आप घूमे, वहां के सारे समीकरण आपने देखे, क्या लगता है आपको कि शिवराज सिंह चौहान अपना चौथा टर्म ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? सरकार कांग्रेस की हम लोग बनाएंगे, और मुख्यमंत्री कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री तो हम लोग चुन लेंगे 24 घंटे में, मुख्यमंत्री चुन लेंगे, सरकार अगर हमारी उनको बहुमत मिलता है पार्टी को तो मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की जनता के दिग्गी राजा होंगे कि नहीं उस कैबिनेट में? या नहीं, ना मुख्यमंत्री होंगे ना कैबिनेट में होंगे, नहीं ना चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, ना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने बोला था कि अगर वो आप चुनाव हार गए और फिर दोबारा आप उस राजनीति में नहीं जाएंगे, और आप गए भी नहीं, आप दूर रहे मध्य प्रदेश से, अब जबकि आप मैदान में हैं, तो किस तरीके की आप मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान अपने उन वादों को पूरा कर पाई है जिन वादों को उसने किया था? देखिए, केवल शिवराज सिंह चौहान नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे वो, शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे वो, उमा भारती और बाबूलाल गौड़ ने जो वादे किए थे वो, कोई वादा ये लोग पूरा नहीं कर पाए, केवल जनता को धर्म के आधार पर बांटकर अपना चुनाव जीतते रहते हैं, फर्जी वोटर लिस्ट बनाते हैं। हमने पकड़ा है उसको इस बार, 3000 वोटर्स की जो एक लिस्ट जो मिली थी करीब, ऐसा है कि लगभग हमारा अंदाजा है कि 2008-2013 के बीच में लगभग 7 लाख फर्जी वोटर जुड़े मध्य प्रदेश, 7 लाख फर्जी वोटर जुड़े, वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने बात लाए, तो 24 लाख वो कट गए, लेकिन अभी और भी कटना बाकी है, और भी कटना बाकी, और ये चुनाव इसी फर्जी तरीके से जीतते आए। अच्छा, ईवीएम मशीन का साथ एक सवाल है, मैं मेरा जो अगला सवाल यही था, ईवीएम मशीन का मुझे तो उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं सब ने ईवीएम मशीन पे वोटिंग कराना छोड़ दिया, केवल भारत करा रहा और कुछ दूसरे राष्ट्र करा रहे हैं, इसलिए हमारी तो ये मांग है इलेक्शन कमीशन से कि हम तो बैलेट पेपर फिर चाहते हैं, क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजी युग में
हर मशीन हैक हो सकती है, कोई मशीन टेंपर प्रूफ नहीं है। इसलिए इतने बड़े देश के वोटिंग के इसके चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को भी संदेह है तो प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस जब हारने लगती है तब इस तरीके की बयान देती है कि ईवीएम खराब है, और जब कर्नाटक में उसकी सरकार बन गई तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद ने 2004 में कहा था कि ईवीएम मशीन में घपला होता है, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी किताब लिखी इस पर, और किताब लिखने वाले और राज्यसभा के मेंबर हो गए भाजपा से। राहुल गांधी जो मोदी के मोदी पर हमले वर रहते हैं, काफी बातें करते हैं, फिर उसके बाद उनके उनको जाके गले लगाते हैं, मगर विपक्ष को एक इकट्ठा करने में अरविंद केजरीवाल को फोन नहीं करते। राज्यसभा सांसद उनके संजय सिंह ये कहते हैं कि वो गले तो लग सकते हैं मगर वो फोन नहीं होता उनसे, तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये सब बातें हमारी लीडरशिप अपने तरीके से हैंडल कर रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात कहता हूँ, 2019 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, एक। दूसरा, पूरी हवा थी तब 31% वोट मिले थे, 283 सीटें मिली थी, वो निश्चित तौर पर 31% वोट उन्हें मिलने वाला है नहीं, ये लगभग 24-25% वोट पे आ जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा जो आपसे है कि 2019 का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? विचारधारा, दो विचारधारा है। एक विचारधारा है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर की, अब्दुल कलाम आजाद साहब की, प्रेम सद्भाव सत्य और अहिंसा की, और एक विचारधारा है गुरु गोलवलकर की, डॉक्टर हेडगेवार की, वीर सावरकर की, गोडसे की, नफरत हिंसा, ये दो विचारधारा के बीच में चुनाव होगा। इस भारत की जनता को चुनना है, उसको रास्ता कौन सा अपनाना है, नफरत और हिंसा का या प्रेम सद्भाव सत्य और अहिंसा का? तो ये थे दिग्विजय सिंह जो हमसे रूबरू थे, जो हमसे बात कर रहे थे, और जिनका कहना था कि अगला चुनाव नफरत बनाम मोहब्बत होगा, और हम इसी की उम्मीद करते हैं। और बाकी खबरों के लिए बोलता हिंदुस्तान.com के साथ बने रहिए।